बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे लखोर फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और उसके ऊपर मेरा फेवरेट डायरेक्टर के साथ मैं फिर से काम कर रही हूँ। चौथी फिल्म है हमारी ये, इसके जस्ट पहले तेरे नाम हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो भी खेसारी जी के साथ ही था। बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर भी क्योंकि कहानी बहुत मस्त है। टाइटल है लखोरी। बचपन में कैसी लखोरी करती थी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल लखोरी नहीं हूँ। जैसा इंसिडेंट जो बताना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत डिसेंट थी और कोई इस टाइप का नहीं थी। और बेसिकली ये लखोर जो दो हीरो है वो लोग हैं, हम तो ये लखोर को हमेशा टाइप करते रहते हैं पूरी फिल्म में और फिर कैसे कैसे उस हादसे से निकल के फिर सीरियस टोन पे आते हैं इस टाइप के। एक से एक है हम लोगों के, हम दोनों के टेक्निक्स एक्चुअली, मैं और सोनाक्षी दोनों मिलके इन लोगों को टाइप करेंगे। अच्छा, स्टोरी का ऐसा स्क्रिप्ट क्या बोर्ड था जो पसंद आया और आपने हाँ बोली? फर्स्ट ऑफ ऑल अजय श्रीवास्तव जी, उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके टेक्निक्स और डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है और उसके ऊपर कॉमेडी बहुत अच्छा है इसमें, कॉमेडी के साथ साथ अच्छे गाने और बहुत मतलब एंटरटेनिंग फिल्म है। हाँ एकदम बहुत अच्छा लगेगा एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा कॉमेडी फिल्म अजय भी ट्राई कर रहा है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के लिए? ऑडियंस को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे आप लोगों को लगेगा, क्योंकि आदमी लोग या बॉयज़ लोग या कॉलेज गोइंग बॉयज़ लोग हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का लखोरीपना तो करते ही हैं, तो आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस फिल्म के साथ और इसीलिए आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इलेक्शन का माहौल है, रवि भैया ही मैदान में हैं, मनोज भैया ही मैदान में, कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं उनको ही सपोर्ट करूँगी जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा। नहीं, क्योंकि मैं वोट ही नहीं देती हूँ, मेरा वोटर कार्ड भी नहीं है। थैंक यू।